नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाईंदर उत्तन में जो डंपिंग ग्राउंड है, उस डंपिंग ग्राउंड के चलते स्थानीय लोगों को क्या परेशानियां होती है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज यहां के कुछ युवक हमारे साथ में हैं, उन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि ये डंपिंग ग्राउंड को लेकर वो कैसा देखते हैं। भाई क्या नाम आपका, क्या करते हो और कहाँ रहते हो? मैं अफरीदी दिलावर खान हूँ, मेरा ऑटो रिक्शा है, मैं जॉब भी करता प्राइवेट और मैं धावी डोंगर पे रहता हूँ डंपिंग के बाजू में ही। मतलब मसला ये है क्या, जब डंपिंग में आग लगती है ना तो धुआं चारों दिशाओं में फैलता है, और ये एक बार नहीं हमेशा हर महीने, मतलब महीने में दो महीने में लगना है, आग लगती ही है। और ये अभी तो बारिश का टाइम में तो कम है, बारिश में देखते हो उजाऊ ज़मीन उजाऊ दिख रही है, बाद में बारिश के बाद जब पूरा बंजर बंजर दिखेगा, पूरा मौसम पूरा एकदम बंजर हो जाएगा। तो जो आप पहले का प्रोसेस था पानी का डेवलप करने का, मैडम ने उधर ऐसे किए थे छोटा सा, वो प्रोसेस का उसका नाले का प्रोसेस अभी तक आगे तक पहुंचा नहीं हो। अब ये 9 करोड़ का जो प्रोसेस चालू हुआ है, अगर इसका अगर दीवार बनाएंगे तो वो दीवार कब तक रहेगी, टिकेगी क्या नहीं टिकेगी, उसका कुछ आगे का प्रोसेस कन्फर्म होना, इंजीनियर लोगों का डेवलप पूरा करके वो प्रोसेस करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ जी, आप बताइए आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे आप इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर? मेरा नाम शानवाज अंसारी है और मेरा तो ये कहना है, इतना खर्चा हो रहा है यहाँ पर, दीवारें बन रही है, दीवारें बनने के बाद भी दीवारें टूट जा रही है, तो मैडम जो 9 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है तो उससे वो दीवार और वो कचरे का लोड ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है, वो उतना वजन लोड ले सकता है? जब ये दीवार टूट सकती है तो वो दीवार रह सकती है क्या? मैडम 9 करोड़ में यहाँ से लेके खाड़ी को टच कर रही है गटर, नाला गटर, तो इससे जो नज़दीक के समुंदर मच्छी मार है, जो नज़दीक मच्छी मारते हैं वो मच्छी मार पाएंगे क्या? कोई मच्छी मिल सकती है क्या उनको? वो नाला बना के परेशानी किसको आएंगी? जो हमारे यहाँ के उत्तन के मच्छी मार लोग हैं उन्हें परेशानी होगी, नाला बना के तो चले जाएंगे पर वो कचरा लोड लेंगे कि नहीं लेंगे आगे, उसका वजन क्या होगा, उसका भाव क्या होगा, उससे दीवार टूटना, उसके वजन से दीवार टूट जाएगी, तो क्या इसकी गारंटी क्या रहेंगी, इसका भरोसा क्या रहेगा कि 9 करोड़ में प्रोजेक्ट सक्सेस ही होगा या कि यहाँ लोगों को परेशानी नहीं होगी, आग नहीं लगेंगी, नुकसान नहीं होगा, इसका क्या एश्योरेंस और क्या भरोसा रहेगा? ठीक 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 है जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे आप? आप कब से यहाँ पर रहते हैं और इस डंपिंग ग्राउंड को कैसा देखते हैं? यहाँ पर जो 9 करोड़ रुपये की दीवार बनने वाली है उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम कादिर सैयद हुसैन है, मैं यहीं बाजू में रहता हूँ। आए दिन मैं देखता हूँ डंपिंग की बास वगैरह दिन भर में आती रहती है, हम लोगों को डिस्टर्ब होती है, मच्छर आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में, सब बच्चे बीमार पड़ते हैं, हर महीने में एक बार दो बार बच्चों को लेके जाना पड़ता है, 1000-2000 की दवा करनी पड़ती है हम लोगों को। लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, डंपिंग से किसको क्या फ़ायदा हो रहा है? मनोरी को देखिए, वहाँ पे कोई डंपिंग है, गोरे में कोई है, हमारा उत्तन भी उससे साथ में एक आइलैंड ही है ना, उसमें आपने कचरा डंपिंग लगा दी, आगे भी कौन सी जगह थी वहाँ लगाते, आप इतनी जगह खाली पड़ी है, आपने ये हमारे पूरे सुंदर से गांव को आपने डंपिंग लगा के पूरा बर्बाद कर दिया है। आज तो यहाँ पर ये जो डंपिंग का जो प्रोजेक्ट लगा है तो कई सालों पहले यहाँ पर लगा था, तब से लेकर अब तक का क्या आप लोग कभी यहाँ के जो लोकल जो लीडर है उन तक नहीं गए क्या? उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ किया नहीं? पहले हम लोगों ने बहुत पहले आंदोलन भी किए थे, तो जब उसमें गिलवर्ट सेट का रास्ता तो उन्होंने कहा था कि हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद तो कुछ देखते जा रहे हैं, फिर नरेंद्र मेहता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फिर गीता जैन मैडम पहले आई थी, उन्होंने भी कहा था मैं करूँगी, अब वो 5 साल तो निकल गए, अभी इलेक्शन का टाइम आया तो अभी गीता जैन मैडम आ रही है, बोल रही मैं करूँगी डंपिंग का, 5 साल से क्यों नहीं किया था मैडम ने? अभी मैडम को डंपिंग का याद आ रहा है, 5 साल से तो हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सब बीमार हो, सबको देख कौन देखेगा, कोई देखता तो नहीं है, हम गरीब लोग हैं, कैसा कैसा बच्चों की दवा पानी करते हैं हम लोग, कोई देखता है उसके बारे में? सोचना चाहिए ना, इसलिए हम सोचते कि डंपिंग बंद ही हो जाए, बंद हो जाएगा तो हमारे गांव के बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे, कोई बीमार कम पड़ेंगे। पर जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है स्थानीय निवासी जिनको अपने बच्चों के स्वास्थ्य की फिक्र सताए जा रही है कि इस डंपिंग प्रोजेक्ट के चलते उनके बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है, उनके बच्चों को अलग अलग किस्म की बीमारियां भी होती है, सामान्य वर्ग के लोग हैं, आम आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने गुजारा करते हैं, इन लोगों के पास में बच्चों को अस्पताल में ले जाने के लिए भी कभी कभी पैसा नहीं रहता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ मेरा भाईंदर शहर में अब तक जितने भी नेता आए हैं ये उन सभी नेताओं की ये नाकामी है, उनकी विफलता है कि जिसके चलते डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से अब तक शिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि सरकार के पास में, महानगर पालिका के पास में एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उस पर कहीं पर भी अब तक का कोई मंजूरी नहीं मिली है और ना ही महापालिका उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड को हटाकर सेक्वार नामक जगह पर ले जाया जाए, इस बात को लेकर कोई भी नेता इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। और आखिर में लोगों का ये मानना है कि चूंकि चुनाव सर पर है और उसी को देखते हुए यहाँ के लोगों की सिंपत्ति पाने के लिए यहाँ के लोगों को
उनका वोट पाने के लिए यहाँ की जो स्थानीय विधायिका है गीता जैन, उन्होंने 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया है यहाँ पर दीवार नाला और यहाँ बायोगैस का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एक दौर था जब उत्तन का ये इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही साफ सुथरा और निसर्ग रम्य इलाका माना जाता था, लेकिन आज इस इलाके को इस उत्तन डंपिंग ग्राउंड की नज़र लग चुकी है। यहाँ के लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, यहाँ के किसान खेती नहीं कर पाते हैं और हमारे शहर के नेता इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति चमकाते हुए दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साइबर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।